माय चैनल एजुकेशन आरके पॉइंट एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि सेकेंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा सीट खाली है या नहीं, क्या फिर से हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आज इन सारे सवालों का जवाब दे दूं। देखिए, सेकेंड काउंसलिंग दो तरीके से हो सकते हैं, ऐसा एजम्पशन आप लगा सकते हैं। वैसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि आपका कॉलेज का कोई लिस्ट ना आ जाए कि कैसे सीट खाली होगा। तो आप देख रहे हैं कि 50% भी बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका सीट खाली रहेगा। ऊपर से आपका ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग ना करने का ऑप्शन है, तो आपके नाम आपने जो कॉलेज काउंसलिंग में चूज किया है उसी के बेस्ड में अगर सीट खाली रहा तो आपको वो कॉलेज अलॉट करे। हो सके तो कहीं गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए आपको, हो सके तो कहीं से भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हो सके तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए। तो ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आपने जो कॉलेज, अगर मैं तो कहूँगी कि चॉइस आपके नज़रिए में क्या लगता है कि चॉइस फिलिंग फिर से अगर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मेरे नज़रिए से भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर जिस कॉलेज में जितनी सीट है तो वैसे चॉइस फिलिंग होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में ये करके बताओ, क्या आपको लगता है कि चॉइस फिलिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको इसी से पता चल जाएगा अगर आपका आपके नाम पर फिर से सीट अलॉट हुआ, नहीं तो पहले वालों की तरह आपको पहले भी तो पता था कि हाँ इतनी सीट है, लेकिन क्या था, क्या लिखा था आपके नॉट अलॉटेड दिस सीट पे, आपके नाम पे कोई सीट अलॉट ही नहीं हुआ। फिर पता चला है कोई पैसे अब नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपने कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग किया है और पैसे पे नहीं किए हैं तो ही आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये मत सोचिए। दूसरी बात कि बहुत बच्चों का ऐसा भी मुझे आया है मैसेज कि मैम मैंने काउंसलिंग ही नहीं किया था, तो उनका क्या, तो उनका अब कुछ नहीं हो सकता। कि आप भी जानते हैं कि ये काउंसलिंग का डेट जब तक था उन्होंने दोबारा टाइम दिया था, और दोबारे वक्त में भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो वो अब नहीं होने वाला है। वैसे भी देखिए कि राज्यपाल का क्या आदेश आने वाला है कि क्या आपका एडमिशन जल्दी जल्दी, आप जितनी जल्दी हो सके तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, एडमिशन ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कैंसिल होके, कैसे देखे थे कि एक शुभंकर नाम का एक लड़का था, उसका कैसे कैसे क्या हुआ, पहले उसे कौन सा कॉलेज दिया था और सेकेंड में कौन सा कॉलेज दिया, उस वीडियो में मैंने बनाया था, उसमें उनका सेकेंड कॉलेज था जिसको मैंने पहले बताया था, और जो उनका पहला कॉलेज था उसको मैंने सेकेंड बताया था। तो इस तरीके की होगी, तो वो उनका पहले इष्ट में था और बाद में कुछ और कॉलेज दे दिया, तो इस तरीके के भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए जब तक आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तब तक अपना कॉलेज कृपया कर चेक कर लीजिए। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर और भी कुछ आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।